मंगलमय नव संवत्सर। मंगलमय नव संवत्सर विकारी विकारों से मुक्ति का सूत्र लेकर आया है। इस नव संवत्सर की प्रथम प्रतिपदा के पहले अरुणोदय में तप का संदेश है। नव सूर्य की प्रत्येक रश्मि में कठिन तप साधना के लिए आह्वान है। तप विकारों से मुक्ति के लिए, तप योग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए और तप सद्ज्ञान के लिए। त्रिपदा गायत्री के तीन चरणों के तीन उद्देश्य भी यही है। महामंत्र गायत्री के नौ शब्दों में समाहित नौ गुण साधक को जीवन की इसी मंगलमयता की ओर ले जाते हैं। नव संवत्सर की इस मंगलमयता की प्रगाढ़ अनुभूति के लिए अनिवार्य है नवरात्रि साधना। यह साधना भगवती दुर्गा की हो या वेद जननी गायत्री की, दोनों तत्वतः एक हैं। नवार्ण मंत्र के नौ अक्षर एवं गायत्री महामंत्र के नौ शब्दों का सार मर्म शम, दम, तितीक्षा, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान एवं भक्ति के नौ गुणों में है। नवार्ण मंत्र के तीन बीज एम, ह्रीम, क्लीम में महासरस्वती, महालक्ष्मी एवं महाकाली के स्वरूप की अनुभूति है एवं चामुंडायी बिच्छई का अर्थ है कि हम अज्ञान की सेना का नाश करने वाली भगवती का ध्यान करते हैं। ध्यान बीज ओम एवं तीन व्यावृतियों भूर्भुवः स्वः सहित नौ शब्दों वाले गायत्री महामंत्र का मर्म भी यही है। इसके प्रथम चरण तत्सवितुर्वरेण्यम का अर्थ है कि हम सविता देव का वरण करते हैं। इस वरण के साथ ही साधक के अंतस में सक्रिय होती है महाकाली की प्रचंड शक्ति और शुरू हो जाता है विकार मुक्ति का महासंग्राम। इसमें विजय मिलते ही साधक समर्थ होता है। भर्गो देवस्य धीमहि अर्थात प्रभु के परम तेज को धारण करने के लिए और तब सक्रिय होती है माता लक्ष्मी की शक्तियां जो साधक को योग ऐश्वर्य से भर देती है। इसके बाद साधक के अंतस में प्रस्फुटित होता है धियो यो नः प्रचोदयात् अर्थात सद्ज्ञान आत्मज्ञान का विकास माता महासरस्वती की कृपा उपलब्धि। गायत्री महामंत्र में नवार्ण मंत्र स्वयमेव समाहित है और इसी का विस्तार श्री दुर्गा सप्तशती के तीन चरित्रों में है। ये तीन चरित्र माता गायत्री के तीन चरणों का ही विस्तार है। जो इस सत्य का तत्वबोध पाता है उसे विकारों से मुक्ति, योग ऐश्वर्य की प्राप्ति एवं सद्ज्ञान के वरदान मिले बिना नहीं रहते। नौ संवत्सर की नवरात्रि साधना में ही नौ वर्ष की मंगलमयता के रहस्य हैं। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।